अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो ये खूबसूरत बैम्बू प्लांट से करते हैं। देखिए ये पत्तियाँ येलो हो गई है, इन सब को फेंक देते हैं और फ्रेश पानी डाल देते हैं। और यहाँ देखिए एक छोटे से मॉन्स्टेरा की कटिंग डाल दिए थे पानी में, वो भी माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं। और अब हम ये केन सोफ़ा के कवर चेंज करने लगे हैं। पता नहीं आज सुबह से क्यों बारिश हो रही है और मौसम भी माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा है। वैसे बारिश हमें पसंद है और खुशी इस बात की है कि गर्मी नहीं है अब। और गर्मी कम हो तो काम करने में भी अच्छा लगता है, वो जिस वक्त भी हो, सुबह हो, दोपहर हो और या फिर शाम या रात हो। आप सबको कौन से वेदर सबसे ज़्यादा पसंद है बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर। हमें तो विंटर सबसे ज़्यादा पसंद है। और देखिए बड़े कुशन को जब कवर लगाते हैं, चढ़ाते हैं, तो इस तरह से ज़रा सा मोड़ लेते हैं तो फिर आसानी होती है आराम से ये कवर लगाने में। विंडो के पास जो ग्रीनरी देख रहे हैं ये भी आज चेंज करने हैं और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बातों बातों में देखिए सारे कवर्स चेंज हो गए हैं। आपको एक लुक दिखाते हैं, देखिए माशाल्लाह से सब कुछ सेट हो गए हैं। अभी देखिए सब कुछ फ्रेश फ्रेश अच्छा लगता है, सब कुछ फ्रेश फ्रेश। और आफ्टर इवनिंग टी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करने लगेंगे। हाँ जी देखिए ये ही है वो इंटरेस्टिंग चीज़। आप सब भी ये आइडिया अपना सकते हैं और कोई भी पुराने वास को नए बना सकते हैं। इसका कलर पहले वाइट था और अब ये स्प्रे पेंट दे करके गोल्डन कर दे रहे हैं। इसको गंदा सा लगता था सो अब ये गोल्डन है। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। और ये देखिए वाइट पॉट, और ये भी प्लांटर है, इसमें पौधे भी थे, बरसात में पानी लगकर क्या हाल है। और ये हाथी भी एक प्लांटर है, स्टिल मिट्टी है अंदर तो देखकर समझ सकते हैं। और ये वाज ही है, इसमें कोई मिट्टी नहीं। ये दोनों प्लांटर और वो वाज तीनों को हमने पहले सैंड पेपर से अच्छी तरह से घिस लिया है और फिर ये स्प्रे पेंट देकर अच्छे से पेंट कर दे रहे हैं। आफ्टर पेंट फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करने हैं। तो अब आप सब पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से पेंट कर, स्प्रे पेंट लगाकर जैसे कि गोल्ड गोल्ड के बने, ये सब गोल्ड तो नहीं बट फाइनल लुक ये देखिए फाइनल लुक। वैसे इस कॉर्नर की एक वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पर, ये शूट हम पहले ही करके रखे थे और वो इसी के ही एक पार्ट है। इसे इस तरह से ऐसे ही रखे हैं और ये जो प्लांटर के ऊपर, वुडन प्लांटर के ऊपर ये जो देख रहे हैं ये वुड नहीं है, ये बोर्ड है, कार्डबोर्ड, ऐसे ही कार्डबोर्ड है। और इसके ऊपर एक पॉट रखे हैं, टेराकोटा पॉट, और उसमें फिर पानी में मनी प्लांट है। और ये एक ऑर्किड है, ऑर्किड मिट्टी में नहीं होते हैं सो ये कॉयर में लगे हैं, कोकोनट कॉयर के अंदर। ये प्लांट मेरी छोटी भाभी ने गिफ्ट किया था और छोटे से प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट हमने बनाए हैं। और ये फाइनल लुक देखिए, ये वाज सबसे जो टॉल वाज है उसके ऊपर ये मनी प्लांट रखे हैं। ये ऊपर भी एक गमला है और गमले के अंदर एक और गमला है। और जी देखिए ये एक गमला है वाज के ऊपर और फिर उस गमले के अंदर एक और प्लांटर्स में ये मनी प्लांट लगाए हैं। और नीचे तो आपको दिखाए ही हैं
इसे एक और तरह से भी हम डेकोरेट करते हैं। ये देखिए, ये गमला है गोल्डन कलर की, ये वास के साथ ही आए हैं। और ये प्लांटर, ये प्लांट हमने निकाला है और यहाँ रखा है, और ये दूसरा प्लांट इसमें अभी हम रख रहे हैं इस गमले में। देखिए, टाइम टू टाइम हम प्लांट चेंज करते रहते हैं, धूप में देते हैं और फिर चेंज करके एक और प्लांट रखते हैं, ऐसे ही चेंज करते रहते हैं। इस कॉर्नर को सिर्फ ग्रीनरी से ही नहीं, और भी कई तरह से हम डेकोरेट करते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और देखिए, इस प्लांटर में दो किस्म के प्लांट है, लेमन फिलोडेंड्रॉन और पोथोस है। देखिए, माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है। अभी अभी कटिंग करे हैं इसलिए अभी छोटा दिख रहा है। ये भी चारों तरफ से हैंगिंग प्लांट है, बहुत खूबसूरत है ये लेमन फिलोडेंड्रॉन। और अब देखिए, एक और तरह से भी इस कॉर्नर को डेकोरेट करते हैं, वो ग्रीनरी नहीं। ये वाज को सिंगल ऐसे ही रख सकते हैं क्योंकि ये टॉल वाज है, काफ़ी हाइट इसके इसका अच्छा ही है। और साथ अगर इस तरह से डेकोरेट करते हैं इस वाज के ऊपर, ये भी ऊपर एक टेराकोटा वाज है, उसमें भी फ्लावर है और ऊपर ये आर्टिफिशियल फ्लावर है। और मेरे हर डेकोरेशन में ग्रीनरी मस्ट है, विदाउट प्लांट्स हर डेकोरेशन अधूरे लगते हैं, है ना? हमें तो ऐसा ही लगता है, मेरे घर के हर कॉर्नर पे आपको ग्रीनरी नज़र आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, ज़्यादा पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। अभी देखिए, करीब से दिखाते हैं एक एक चीज़। यहाँ इस वुडन प्लांटर में ये दोनों रखे हैं, ये बोर्ड के ऊपर स्क्विरल प्लांटर और ऊपर एलिफेंट प्लांटर, और एलिफेंट प्लांटर के ऊपर ये ग्रीन पोथोस, गोल्डन पोथोस। ये पानी में है, मिट्टी में नहीं है। और वीडियो के एंड में फिर से वही कहेंगे कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आज पहली दफ़ा जो मेरे चैनल पे आए हैं और वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक फौरन पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।